वही विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं की स्वस्थ, सुखद और सफल हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारे चार धाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाएँ हैं जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 110,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जाँच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। लगभग हमारा टोटल मिला के 465 मेडिकल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारे 80 स्पेशलिस्ट हैं, कुछ उस ज़िले के हैं और अन्य ज़िलों से भी, कुमाऊं से हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। इसके अलावा 337 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं ड्यूटी पे।